नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज दिनांक 18 जून 2021, शिक्षा विभाग से संबंधित प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। ब्रज विश्वविद्यालय इस साल 25% परीक्षा केंद्र बढ़ेंगे। फाइनल ईयर परीक्षाएं जुलाई में होंगी। 45,000 स्टूडेंट बैठेंगे। आरबीएसई ने सत्रांक भिजवाने के संबंध में सभी संस्था प्रधानों को दिए निर्देश। बिना गाइडलाइन स्कूल प्रशासन हो रहा परेशान। स्कूलों में अभी 3 महीने तक ऑनलाइन पढ़ाई ही चलेगी। उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन करें 21 जून तक। छठी बार तारीखों की घोषणा। 21 जून से 5 जुलाई तक होंगे ईडब्ल्यूएस के आवेदन। चुनौती, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम से टकराएगी रीट की डेट। अब 26 सितंबर को होगी रीट। अब तक रिकॉर्ड 16,50,000 आवेदन। ईडब्ल्यूएस में आ सकते हैं 50,000 नए फॉर्म। असमंजस, 10वीं कक्षा के लिए अभी तक नहीं बन पाया मार्कशीट तैयार करने का फाइनल फॉर्मूला। सीबीएसई असेसमेंट से नाखुश छात्र ऑफलाइन परीक्षा दें तो उनका कौन सा रिजल्ट होगा वैलिड। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा था कमेटियां तो बनती ही हैं मामलों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए। सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की, कमेटियों का हश्र वही। 30 लाख बेरोजगारों और 4 लाख संविदा कर्मियों को लेकर बनी कमेटियों की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। कुछ अंग्रेजी के शब्द लुक वर्ड से संबंधित। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो। लुक एट हर, उसकी तरफ देखो। लुक एट दिस, इसको देखो। और भी कुछ। नियुक्ति व पदस्थापन के लिए काउंसलिंग कल। शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के रिशफल। जिला आवंटन पश्चात नियुक्ति पदस्थापन के लिए काउंसलिंग 18 जून को सुबह 9 बजे से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में होगी। आरपीएससी ने 42 विभागों को लिखा पत्र। 584 स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत व हेल्थ सेंटर भवन में होंगे नल कनेक्शन। जिले के सभी विकास अधिकारियों को लिखा पत्र। सिरोही, अनूठा विरोध। सड़कों पर आने की अनुमति नहीं तो बेरोजगार ने ट्विटर पर खोला मोर्चा। रोज 25,000 ट्वीट। 3 लाख अभ्यर्थियों का वर्चुअल प्रदर्शन। 3,615 कुक कम हेल्पर के लिए 1,98,00,000 की राशि जारी की। 132 रुपये बढ़ा कुक कम हेल्पर का मानदेय। प्रदेश की एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल नहीं। 38 विश्वविद्यालय ऑनलाइन डिग्री कोर्स के लिए पात्र। माननीय शिक्षा बोर्ड, 22 लाख विद्यार्थियों के रिजल्ट निर्धारण की चुनौती। परीक्षाएं निरस्त, अब फॉर्मूला तय करेगी सरकारी समिति। कैरियर के लिए मील का पत्थर होता है 10वीं 12वीं का परिणाम। कॉम्बो पैक के लाभ से उदयपुर के हजारों विद्यार्थी हो रहे वंचित। कम मात्रा में मिल रहे कॉम्बो पैक। पिछले साल भी कई विद्यार्थियों को नहीं मिला लाभ। 31,000 शिक्षकों के लिए रीट परीक्षा 26 सितंबर को। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की घोषणा। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एससी एसटी ओबीसी एमबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। माननीय शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा 65 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 पर दी अनुकंपा नियुक्ति। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर परीक्षा 2021 फार्म 18 जून से शुरू। शिक्षा कर्मियों के लिए योग कार्यशाला 18 जून को। सभी अधिकारी, शिक्षक और कार्मिक होंगे शामिल। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए चलेगा अभियान। शिक्षा विभाग, अजमेर में हुई डीईओ की डीपीसी। सीकर जिले में लंबे समय से खाली पड़े हैं अधिकारियों के पद। डीपीसी से सीडीईओ, डीईओ व सीबीओ के पद भरने की उम्मीद। चुनौतियां तो हैं पर इस बार 2 इंटरनल असेसमेंट। दिसंबर में मिड टर्म एग्जाम की योजना। 50 लाख बच्चों ने नहीं ली थी ऑनलाइन कक्षा, इस बार 70 लाख को जोड़ने का लक्ष्य। कोरोना में पढ़ाई, 33 लाख बच्चों के पास ही ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। सरकारी स्कूलों में बनेगी गांधी वाटिका और बापू वन। अपात्र अभ्यर्थियों के विरुद्ध नए अभ्यर्थियों का चयन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु वरिष्ठ प्रदर्शक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, औषध, माइक्रोबायोलॉजी, दंत चिकित्सा पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोजित संवीक्षा परीक्षा के परिणाम में अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कुछ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया है। 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी फ्री यूनिफॉर्म। इस सत्र से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगा लाभ। 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा 28 जून तक करानी होंगी। सीबीएसई ने स्कूलों को ऑनलाइन कराने के दिए निर्देश। बाहरी परीक्षकों की मौजूदगी में होंगी। 323 अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंसा। उच्च शिक्षा पर अभी भी कोरोना का साया। विधायक देवनानी ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री भाटी गहरी नींद में, उन्हें कोई चिंता नहीं। बोर्ड ने घोषित किया राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परिणाम। लैब टेक्नीशियन भर्ती में अनियमितता को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। अदालत ने एसओजी के थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रकरण की जांच कर अविलंब अनुसंधान का नतीजा अदालत में पेश किया जाए। बूंदी जिले में 35,607 बच्चे क्रमोन्नत होंगे।
विद्यालय प्रबंधन की परेशानी, न उपस्थिति, न अर्धवार्षिक परीक्षा, कैसे देंगे 17 अंक। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा हुई स्थगित, 17 अंक के आधार पर मिलेंगे नंबर। 21 जून से ऑनलाइन फीड होंगे 17 अंक। माननीय शिक्षा बोर्ड ने कमेटी बनाई, 55 हजार विद्यार्थी हैं जिले में, बोर्ड तय करेगा विद्यार्थी को कितने नंबर मिलेंगे, शिक्षक 17 अंक बनाने में जुटे। इसी सत्र से खुलेंगे 100 नए एकलव्य मॉडल स्कूल। CBSE 12वीं से पहले निकल सकता है 10वीं का परिणाम। 12वीं के प्रमोशन पॉलिसी का इंतजार, 10वीं के नतीजों का काम हो रहा है त्वरित गति से। शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन। बैंकों का विलयीकरण बना SC ST छात्रों के लिए परेशानी का सबब, IFSC कोड बदलने से अटक गई छात्रवृत्तियां। कोरोना स्कूल का मामला, झूठे सरकारी रिकॉर्ड तैयार कर हेराफेरी का भी आरोप, प्रधानाचार्य ने 71 विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला। एग्जाम गाइड जिसमें मिलेंगे महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न, उत्तरमाला के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी। कोरोना में पढ़ाई, 33 लाख बच्चों के पास ही ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन, 50 लाख बच्चों ने नहीं ली थी ऑनलाइन कक्षा, इस बार 70 लाख को जोड़ने का लक्ष्य। CBSE कमेटी ने सुझाया फॉर्मूला, पेशी 8, 12वीं के परिणाम के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला। रीट प्रमाण पत्र की वैधता में नहीं होगा बदलाव। फिट इंडिया क्विज, बच्चों की फिटनेस व खेल में रुचि बढ़ाई जाएगी। नेशनल चैंपियन स्कूल को 25 लाख मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन 1 से 31 जुलाई तक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व प्रदेश के शिक्षा कर्मियों के लिए होगा सत्र, YouTube पर शुक्रवार को लाइव जुड़ेंगे विशेषज्ञ। राजस्थान सरकार का फैसला, सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के 60 लाख बच्चों को ड्रेस फ्री। CBSE सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया 12वीं के रिजल्ट के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला। 3 साल की परफॉर्मेंस ही 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित होगा। भास्कर विशेष, कोचिंग खुले तो रीट की तैयारी कर रहे हैं शेखावटी के, 3.5 लाख अभ्यर्थियों को मिले फायदा। रीट में सिर्फ 3 माह का वक्त, संचालक बोले अभ्यर्थियों के वैक्सीन की 1 डोज लगवा कर कोचिंग खोलने की इजाजत दे सरकार। इसी के साथ होते हैं समाचार समाप्त। शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण समाचार नियमित और अपडेट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।